लेकिन ये खाका कितना कारगर रहा, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल पाया, क्या जो दावे सत्ता में आने से पहले मनोहर सरकार ने जनता से किए थे वो पूरे हुए। वर्तमान की बात की जाए तो स्थिति यह है कि विकास के नाम पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन विकास आखिर है कहां, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर किसी तालाब की नहीं, सोनीपत के सारंग रोड अंडरपास की है, जहां पर सफाई के नाम पर जो दावे किए जाते हैं वो अक्सर झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। सरकार ने करोड़ों खर्च कर सारंग रोड पर अंडरपास बनवाया, लेकिन आलम यह है गंदा पानी हमेशा भरा रहता है, जिसके चलते आसपास रहने वाले लोग और राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी बहुत दिनों से है, ये पानी बंद ही नहीं होता यहाँ, पानी हमेशा से भरा रहता है। कौन सा रोड है ये, कौन सा अंडरपास है ये? सारंग रोड है, सारंग रोड वाले जाते हैं। कितने फुट पानी भरा हुआ है यहाँ? तीन फुट तो है वो, फड़ फड़ के नीचे पानी पानी हो रहा है। निकलने में कैसे दिक्कत आ रही है? पूरी दिक्कत आ रही है। किस कारण से भरा हुआ है, सफाई नहीं होती क्या, क्या दिक्कत है? सफाई भी ना होती है, नाला भरा रहा है, सारी आने गंदगा। सुना आपने, शिकायतें भी की पर काम खाना पूर्ति का हुआ। ऐसे में अब जनता करे तो क्या करे, वो गंदगी के आलम में जीने को मजबूर है, क्योंकि सुनवाई नहीं होती, सफाई नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर अंडरपास बनाते वक्त क्या खामियां रही जिसके चलते ये समस्या बनी हुई है, या फिर अधिकारी सुनवाई नहीं करते, कर्मचारी वक्त पर सफाई नहीं करते, पर जनता का क्या? जनता जाए तो कहां, कहां करे पुकार, कैसे होगा समस्या का निवारण, कौन सुनेगा? खैर, ये तो वक्त पर निर्भर करेगा कि आखिर ये समस्या कब हल होगी, पर इतना तय है विकास हुआ है और करोड़ों खर्च भी किए गए हैं, लोगों को सुविधा भी मिली है, लेकिन ये नई मुसीबत सबके सामने आकर खड़ी हो गई है। सोनीपत से खबर फास्ट के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट।